हरिद्वार डीएम दीपक रावत मंगलौर कोतवाली के लेबरेड़ी गांव पहुंचे, जहां डीएम ने विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। राज्य वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की सड़कों में खामियां मिलने पर डीएम ने मौके पर विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम पूरे प्रशासनिक मामले के साथ लेबरेड़ी गांव पहुंचे थे। गांव में दो पक्षों में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ हरिद्वार के सभी विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। ग्राम प्रधान के कार्यों की भी डीएम से शिकायत की गई थी। किसानों के चकबंदी न होने की शिकायत को भी डीएम ने गंभीरता से लिया और मौके पर मौजूद चकबंदी अधिकारियों को गांव की चकबंदी करने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने सभी ग्रामीणों की शिकायतों को सुना, जिनमें कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। सबसे अधिक शिकायत डीएम दीपक रावत के सामने आवास, शौचालय और पेंशन की आई है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। वो साहब देखो, वो तो सब कागज में हो, ऐसा कोई फिजिकली तो कुछ भी बोलता रहता है। जो हमने विकास कार्य करवाए उनका सब एक एक कागज हो, एक एक धरातल पर मौजूद हो। उस आप वीडियो साहब भी हैं, सब हमारे अधिकारीगण भी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी बात है कि 1 करोड़ रुपए में ऐसा, ये कोई, क्योंकि अब सबकी जियो टैगिंग हो रही, अब तो 1 रुपया भी खाना मुश्किल हो प्रधान को। कोई बात नहीं, जी एम साहब ने मेरी जांच बताई, वो अब जांच करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो मैंने काम करवा रखे हैं धरातल पर मेरे मौजूद हूँ। इस गांव की 2-3 समस्याएं हैं। एक तो यहां पे चकबंदी बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई है, तो आज हमने निर्देश दिए हैं कि बुधवार को यहां से चकबंदी प्रारंभ कर दी जाए और 2 सेक्टर जहां पे छूटे हैं उसको पूरा कर दिया जाए। पंचायत राज के माध्यम से जो कुछ बजट यहां पे आया था सीसी रोड्स का, उसके दुरुपयोग की शिकायत थी, उसका मैंने मौका मुआयना किया और ऐसा लगता है कि दुरुपयोग हुआ है। तो इसमें एक मैं जांच के आदेश करूंगा, जिसमें अभियंतागण भी होंगे जो इसकी एमबी वगैरह करेंगे। इसके अलावा एक शिविर यहां पे लगाया गया जिसमें लगभग 200 शिकायतें आई हैं, इसमें आवास की भी हैं, आर्थिक सहायता की भी हैं, अतिक्रमण भी हैं। इन सबको दर्ज किया गया है और इनका निस्तारण किया जाएगा।